The viewers are eagerly waiting for the concluding session of the Kegels exercise. Can we have the slide share of Dr. Komal, please? Yeah. So Dr. Komal Shah is now no longer, make it full screen, please. Yeah, is no longer a stranger to our platform. And she brilliantly brought out the nuances of the basics of Kegel exercises last time. And those of you who have missed that, please go on to the IMS website and it is loaded there as Prerana 10, I think. Today is the 11th session. Am I right, Nirja? Today is the No, 10th. today is Prerna 10. 10. So So that past was the session was 9th. Prerna 8. Prerana 8, correct. Prerana 8. I stand corrected. Thank you, Nirja, for that. Dr. Komal, coming back to her, as I said, she is no stranger, so I will just take 30 seconds. She's a physiotherapist from MS University, Vadodara. And she's practicing there as well. Those of you wish to know geographically from where she belongs. So she belongs to good old Gujarat. And she specializes in pelvic floor rehabilitation. And you know, that is so very essential for women's health, older women's health, and other musculoskeletal conditions. Fitness, yoga, teaching, yogasana, and all asanas is her specialization. And she has also written a very wonderful big book for all aged women. And we promise you, Komal, that there will come a day that we shall also read that and we shall stand better informed. So now, please take forward the Kegel exercises for pelvic floor strengthening, part two. All over to you. Yeah, thank you, Dr. Shobha and Dr. Nisha and Indian Menopause Society for inviting me again for this wonderful opportunity. And thank you all for overwhelming response to my first session of Kegel exercise. I would like to share the PPT. So, Kegel exercises are mainly pelvic floor strengthening exercises. Pelvic floor muscles are one of our important core muscles. Apart from the sexual and reproduction, maturation and defecation, they have very important role in our day-to-day life. हम अपने जनरल फिटनेस के लिए कोर मसल्स जैसे कि एब्स, ग्लूटियाई, बैक मसल्स की काफी अटेंशन देते हैं, लेकिन पेल्विक फ्लोर मसल्स हम हार्डली अटेंशन देते हैं। रीजन बीइंग मे बी हम इनको देख नहीं सकते या हमें इसके लिए बहुत ही लिटिल अवेयरनेस है या लिटिल नॉलेज है, इसीलिए हम इन मसल्स की लिस्ट कर लेते हैं। ये मसल्स मेनोपोज फेज में या पोस्ट डिलीवरी या फिर पोस्ट सर्जिकल मसल वीकनेस आ जाती है, जिसके कारण कई बार पर्सन को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस या पेल्विक ऑर्गन प्रोलेप्स डेवलप होता है या कोई पेल्विक फ्लूइड डिस्फंक्शन शुरू होता है। ऐसे केसेस में कीगल एक्सरसाइज इज द फर्स्ट लाइन ऑफ द ट्रीटमेंट और द फर्स्ट चॉइस ऑफ द ट्रीटमेंट, वी कैन से लाइक दैट। नेक्स्ट प्लीज। हमने हमारे पहले सेशन में कीगल एक्सरसाइज स्टेप बाय स्टेप कैसे करनी है ये सीखा। हमने पेल्विक फ्लोर मसल्स को आइडेंटिफाई किया, लोकेट किया, पालपेट किया, इन मसल्स को एक्शन में कैसे लाना है ये सीखा। हमने कीगल एक्सरसाइज में स्लो कीगल एक्सरसाइज और फास्ट कीगल एक्सरसाइज कैसे करनी है ये सीखा। हमारा जो फर्स्ट वीडियो है वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, जो आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे, और ये आप अपने यूट्यूब चैनल के डिजिटल एजुकेशन इंडियन मेनोपोज सोसाइटी के चैनल पे देख सकते हो। नेक्स्ट प्लीज। आज के हमारे सेशन में हम पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग कैसे करनी है, आई वुड रेदर यूज द टर्म ट्रेनिंग इंस्टेड ऑफ स्ट्रेंथनिंग। सो पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग कीगल बॉल के साथ कैसे करनी है ये देखेंगे, उसका प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन भी देखेंगे। कीगल एक्सरसाइज को कोर मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के साथ कोऑर्डिनेट कैसे करना है ये भी देखेंगे और इसका प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन भी देखेंगे, और इन कीगल एक्सरसाइज को अपनी डे टू डे रूटीन लाइफ में कैसे यूज करना है ये भी सीखेंगे। नेक्स्ट प्लीज। सो कीगल बॉल क्या है? कीगल बॉल जो है ये कीगल एक्सरसाइज के लिए बहुत ही कन्वीनियंट और यूजर फ्रेंडली डिवाइस है। ये वॉशेबल है और ये रीयूजेबल है, ये सिलिकॉन से बना हुआ है।
जैसे हम जनरल फिटनेस एक्सरसाइज के लिए हम मसल ट्रेनिंग करते हैं, डम्बल्स का यूज करते हैं, किगल बॉल का, किटल बॉल का यूज करते हैं, बारबेल का यूज करते हैं, वैसे ही किगल बॉल जो है वो वजाइना के लिए डम्बल का काम करते हैं। ये 20 ग्राम से लेकर 80 ग्राम तक वजन होता है और इसके साथ एक्सरसाइज करना बहुत ही कन्वीनियंट होता है। आप इसे लाइंग पोजिशन में, सिटिंग पोजिशन में या स्टैंडिंग पोजिशन में इजिली परफॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट प्लीज। किगल बॉल के साथ एक बार एक्सरसाइज सीखने के बाद किगल एक्सरसाइज का प्रोग्रेशन जो है वो सर्फ प्रोटोकॉल के साथ में लेना है। SERF, वेर एस स्टैंड्स फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ पेल्विक फ्लोर मसल्स, मतलब कि आप कितनी फर्म ग्रिप के साथ पेल्विक फ्लोर मसल्स को टाइट कर रहे हो, ये ऑलरेडी हमने हमारे पहले वीडियो में सीख लिया है तो मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी। E stands for the endurance, means for how many seconds you can hold the firm grip. R stands for the repetition, that means ki achhi strength ke saath, achhe holds ke saath, aap kitne repetition kar rahe ho exercise ke. And F stands for the fast twitch muscle movement, that is our fast Kegel exercise, ki aap kitne strength ke saath ek hi second mein ball ko lift kar rahe ho aur ek hi second mein relax kar rahe ho. सो किगल बॉल के साथ एक्सरसाइज सीखने के बाद हमें सर्फ प्रोटोकॉल के साथ अच्छे होल्ड, अच्छी स्ट्रेंथ और अच्छे रिपीटेशन के साथ प्रोग्रेस करना है। नेक्स्ट प्लीज। इसके बाद हमें किगल बॉल एक्सरसाइज जो है वो कोर मसल स्ट्रेंथनिंग के साथ में प्रैक्टिस करनी है, जैसे कि क्रंचीज एक्सरसाइज है, ब्रिजिंग एक्सरसाइज है, प्लैंक है या बैक एक्सटेंशन है या टेबल टॉप एक्सरसाइज है, स्क्वाट एक्सरसाइज है, तो इनके साथ में हमें किगल बॉल की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट प्लीज। इसको हम थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन जो है वो सिर्फ पेल्विक फ्लोर मसल वीकनेस के कारण ही नहीं होता है, लेकिन देर इज ऑल्सो अ इनकोऑर्डिनेशन बिटवीन कोर मसल्स एंड पेल्विक फ्लोर मसल्स। जैसे कि हम इन डायग्राम में देख रहे हैं, वैसे हमारी एब्डोमिनल कैप्सूल जो है वो एक फ्लेक्सिबल सैक है जो आगे से ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल, पीछे मल्टीफिडस मसल, ऊपर डायफ्राम और नीचे पेल्विक फ्लोर मसल से बना हुआ है। जब भी कफिंग, स्नीजिंग, लाफिंग या बेंडिंग या वेट लिफ्टिंग, किक बॉक्सिंग, ऐसी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी फिजिकल स्ट्रेस के साथ होती है, तब हमारा इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है। इस इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने के साथ साथ में इट इज वेरी एसेंशियल कि आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स आपके बाकी कोर मसल्स से पहले टाइट हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, ताकि यूरिनरी लीकेज ना हो या पेल्विक ऑर्गन नीचे डिसेंड ना हो। लेकिन जब पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक होते हैं उस टाइम पे दे फेल टू कॉन्ट्रैक्ट प्रायर टू कोर मसल्स एंड दैट इज द ओनली रीजन कि पर्सन लीक करता है या पेल्विक ऑर्गन नीचे डिसेंड होते हैं। एंड इसीलिए हमें किगल बॉल एक्सरसाइज को कोर मसल स्ट्रेंथनिंग के साथ कोऑर्डिनेट करना है। इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट प्लीज। एंड नाउ इट इज द टाइम फॉर द फाइनल स्टेज परफॉर्मेंस। इसको मैं एक एग्जांपल के साथ डिस्क्राइब करना चाहूंगी कि हम अगर कोई डांस आइटम को स्टेज पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कि डांस की बहुत सारी प्रैक्टिस सेशन लेते हैं एंड देन व्हेन देयर इज अ टाइम टू परफॉर्म ऑन द स्टेज हम मेकअप, कॉस्ट्यूम, साउंड, लाइट, कैमरा, एक्शन के साथ बहुत ही अच्छे से स्टेज पर प्रेजेंट करते हैं। तो यही चीज हमें पेल्विक फ्लोर ट्रेनिंग में करनी है। हमने किगल एक्सरसाइज को कैसे करना है ये सीख लिया, ब्रीथिंग होल्ड के साथ कैसे करना है ये सीख लिया, हमने स्लो किगल एक्सरसाइज की प्रैक्टिस की, फास्ट किगल एक्सरसाइज की प्रैक्टिस की, किगल बॉल के साथ स्ट्रेंथनिंग भी की और कोर मसल्स के साथ उसको कोऑर्डिनेट करके भी प्रैक्टिस की। एंड नाउ इट इज द टाइम टू कोऑर्डिनेट ऑल दिस एक्शन इनटू वन प्लेटफॉर्म। तो जब ये हम डे टू डे लाइफ में कोई भी फिजिकल स्ट्रेस के साथ एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि बेंडिंग लेते हैं या वेट लिफ्टिंग लेते हैं, कफिंग, स्नीजिंग या फिर लाफिंग के टाइम पे द पर्सन इज आस्क टू टाइटन द पेल्विक फ्लोर बिफोर डूइंग दिस फिजिकल एक्टिविटी। नेक्स्ट प्लीज। ये इस क्यों ये चीज हमें हेल्प करेगी, बिकॉज मसल ऑल्सो हैज मेमोरी एंड ब्रेन टू नोटिस इट।
जब हम किसी एक्शन को बार बार रिपीट करते हैं तो मसल इस एक्शन को अपनी मेमोरी में रिकॉर्ड करना शुरू करता है और ब्रेन भी इसे नोटिस करना शुरू करता है। इवेंचुअली मसल इस एक्शन के साथ हैबिचुअल होता है और जब उसकी जरूरत होती है तो मसल इफेक्टिवली और एफिशिएंटली रिफ्लेक्सली रिस्पॉन्स करता है। और यही चीज हमने पेल्विक फ्लोर ट्रेनिंग में कीगल एक्सरसाइज के साथ हमने की कि हमने बार बार जब लिवेटर एनाई मसल को एक्टिवेट किया, हमने हर एक चैलेंजेस के साथ में उसको ट्रेन किया, देन देयर इज द टाइम कि लिवेटर एनाई रिफ्लेक्स एक्टिवेट होता है और जब जरूरत होती है तो ये एफिशिएंटली और इफेक्टिवली परफॉर्म करता है। और इसी चीज को हम यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस या पेल्विक ऑर्गन प्रोलेप्स में इफेक्टिवली ट्रीट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट प्लीज। सो माय टेक अवे मैसेज विल बी दैट कीगल एक्सरसाइज आर नॉट जनरल एक्सरसाइज दैट वन फिट फॉर ऑल। तो कीगल एक्सरसाइज सिर्फ पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्क्वीज करके रिलैक्स करना नहीं है, इट इज द एंटायर होल प्रोसेस लाइक वी हैव सीन। सो कीगल एक्सरसाइजेस शुड बी कस्टमाइज्ड एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ ऑफ पेल्विक फ्लोर मसल्स। थैंक यू एंड नाउ वी विल सी द प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन विथ कीगल बॉल एक्सरसाइज। ये मेरे पास दो कीगल बॉल है, ये जो है वो लाइट वेट है और ये हैवी वेट है। ये हम शुरुआत में यूज करते हैं जब पेल्विक फ्लोर की स्ट्रेंथ कम रहती है, और हैवी वेट जो है ये हम एडवांस एक्सरसाइज के लिए यूज करते हैं। सो लाइट से शुरू करके हमें एडवांस तक जाना है। सो फॉर प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन आई एम जस्ट शोइंग। कीगल बॉल की एक्सरसाइज शुरू करने से पहले लाइन पोजीशन में शुरू करें और उसको बाद में सिटिंग या स्टैंडिंग पोजीशन में हम उसे ले सकते हैं। इसके लिए पैंटी रिमूव करके सर के नीचे 2 से 3 पिलो रखें। कीगल बॉल को लुब्रिकेंट जेल के साथ वजाइना में इंसर्ट करें। ये जस्ट आप इमेजिन कर लीजिए कि मैंने इसे सिर्फ वजाइना में इंसर्ट किया हुआ है। कीगल बॉल का जो दूसरा एंड है, टेल है, वो बाहर रहेगी जिससे आप एक हाथ में पकड़ सकते हो। ये किस लिए करना है कि आपको बाहर से सेंसरी फीडबैक मिले कि आप कीगल बॉल को अंदर कितना लिफ्ट कर रहे हो। इसके साथ हम कीगल बॉल एक्सरसाइज शुरू करेंगे। सो जैसे हमने पहले सेशन में देखा हुआ था वैसे एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे कीगल बॉल को लिफ्ट करेंगे और पेल्विक फ्लोर मसल्स को टाइट करेंगे। और इमेजिन करें कि आप लिफ्ट का दरवाजा बंद हो रहा है, वैसे ही पेल्विक फ्लोर मसल्स टाइट हो रहे हैं। और धीरे धीरे जैसे लिफ्ट में ग्राउंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर तक जाते हैं, वैसे ही इमेजिन करें और पेल्विक फ्लोर मसल्स से टाइट करके कीगल बॉल को धीरे धीरे लेवल तक ऊपर लिफ्ट करने की कोशिश करें। मैक्सिमम लिफ्टिंग के बाद इसे कुछ सेकेंड्स के लिए ऊपर होल्ड करके रखें। सपोज मैंने अभी 5 सेकंड्स के लिए होल्ड किया है तो मन में ही काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5। धीरे से बॉल को रिलीज करेंगे, मसल्स को रिलैक्स करेंगे, 5 सेकंड्स पोज लेंगे, रिलैक्सेशन देंगे, अगेन एक्सहेल, टाइटन द पेल्विक फ्लोर। आप पैंट की जिप बंद कर रहे हो वैसे ही कीगल बॉल को ऊपर लिफ्ट करें। मैक्सिमम लिफ्टिंग के बाद उसे होल्ड करें, धीरे से बॉल को रिलीज करें, मसल्स को रिलैक्स करें। तो ये हुई स्लो कीगल एक्सरसाइज। नेक्स्ट फास्ट कीगल एक्सरसाइज की प्रैक्टिस भी कीगल बॉल से करनी है। तो एक ही सेकंड में पेल्विक फ्लोर मसल्स को टाइट करके बॉल को लिफ्ट करें, धीरे से बॉल को रिलीज करें, फिर से एक बार पेल्विक फ्लोर मसल्स को टाइट करके लिफ्ट करें, रिलीज करें। तो ये हुई फास्ट कीगल एक्सरसाइज। तो दोनों तरीके से कीगल बॉल के साथ प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट देखेंगे कि कीगल बॉल एक्सरसाइज कोर मसल स्ट्रेंथनिंग के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करनी है। आप इमेजिन करके रखें कि मैंने कीगल बॉल को अंदर इंसर्ट किया हुआ है।
सो इमेजिंग की अभी कीगल कॉर्ड अंदर ही है और हम इसके साथ कोर मसल स्ट्रेंथनिंग ले रहे हैं, जैसे कि हमने देखा जैसे हर एक कोर मसल एक्सरसाइज से पहले पेल्विक फ्लोर मसल को टाइट करना है, तो कीगल बॉल को लिफ्ट करेंगे, सबसे पहले क्रंच एक्सरसाइज लेंगे, दोनों हाथ सर के नीचे धीरे से क्रंच करते हुए ऊपर 4-5 सेकेंड्स के लिए होल्ड करेंगे, धीरे से नीचे और बॉल को रिलीज करेंगे, फिर से एक बार पेल्विक फ्लोर मसल्स को टाइट करें, कीगल बॉल को लिफ्ट करें, क्रंचेस लें, होल्ड करके धीरे से सर नीचे एंड बॉल को रिलीज करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज ब्रिजिंग करेंगे, तो ब्रिजिंग के साथ कीगल बॉल को लिफ्ट करें, धीरे से कमर को ऊपर उठाएं, 4-5 सेकेंड्स या 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड करें, धीरे से कमर नीचे और कीगल बॉल को रिलैक्स करें, मसल्स को रिलैक्स करें, फिर से एक बार कीगल बॉल को लिफ्ट करें, ब्रिजिंग करते हुए ऊपर कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करें, धीरे से कमर नीचे और बॉल को रिलीज करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज बैक एक्सटेंशन देखेंगे, उल्टा लेट जाएंगे, अगेन बॉल को लिफ्ट करेंगे, सर शोल्डर ऊपर उठाए ते हुए बैक एक्सटेंशन लेंगे, कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करें और धीरे से बॉल को रिलीज करते हुए नीचे आए, फिर से एक बार बॉल को लिफ्ट करें, बैक एक्सटेंशन लेते हुए ऊपर होल्ड रिलैक्स एंड बॉल रिलीज करें। प्लैंक लेंगे, तो प्लैंक एल्बो प्लैंक के साथ सबसे पहले बॉल को लिफ्ट करें, पेल्विक फ्लोर मसल्स को टाइट करें, प्लैंक लेंगे, कुछ सेकंड्स के लिए प्लैंक को होल्ड करें, धीरे से नीचे और बॉल को रिलीज करें, अगेन बॉल को लिफ्ट करें, प्लैंक ले, थोड़ा होल्ड करें, धीरे से डाउन एंड बॉल को रिलीज करें। टेबल टॉप एक्सरसाइज लेंगे, सेम वे पेल्विक फ्लोर मसल्स को टाइट करना है, कीगल बॉल को अंदर लिफ्ट करना है, हाथ और पैर को स्ट्रेच करते हुए टेबल टॉप पोजीशन होल्ड करेंगे, धीरे से डाउन एंड बॉल को रिलीज करें, फिर से एक बार कीगल बॉल को लिफ्ट करेंगे, हाथ और पैर को स्ट्रेच करते हुए होल्ड, धीरे से बॉल को रिलीज करें और पोजीशन डाउन करें। यही प्रैक्टिस स्क्वाट के साथ में भी कर सकते हैं। So, स्क्वाट के साथ में प्रैक्टिस करते हुए अगेन इमेजिन करें कि कीगल बॉल अंदर ही है, वजाइना में इंसर्ट किया हुआ है, आप पेल्विक फ्लोर मसल्स को टाइट करेंगे, बॉल को लिफ्ट करेंगे, अगेन स्क्वाट पोजीशन कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करेंगे, धीरे से अप एंड बॉल को रिलीज करें, फिर से एक बार कीगल बॉल को लिफ्ट करते हुए डाउन होल्ड एंड अगेन उठते हुए रिलीज करेंगे। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज के साथ हमें कीगल बॉल की प्रैक्टिस करनी है। एंड देन देयर इज द टाइम कि पेशेंट ने क्वेश्चन या कोई भी सब्जेक्ट जो है जिसे ये प्रॉब्लम यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का प्रॉब्लम है या पैरवी ऑर्गन प्रॉब्लम्स का प्रॉब्लम है या भी फ्लोर मसल्स है, ये प्रैक्टिस में अच्छे से कॉन्फिडेंट हो जाए, उसके बाद दे आर इंस्ट्रक्टेड टू टाइटन द पेल्विक फ्लोर इन ईच एंड एवरी फिजिकल स्ट्रेस एक्टिविटी। जैसे कि वो कोई भी चीज लेने के लिए बैंड होते हैं, तो दे हैव टू टाइटन द पेल्विक फ्लोर एंड देन दे हैव टू बैंड। अगर ये वेट लिफ्टिंग करते हैं तो दे आर इंस्ट्रक्टेड टू टाइटन द पेल्विक फ्लोर एंड देन लिफ्ट द वेट। ऐसे ही कफिंग, स्नीजिंग या लाफिंग के टाइम पे भी दे आर इंस्ट्रक्टेड टू टाइटन द पेल्विक फ्लोर फर्स्ट एंड देन डू द एक्टिविटी। तो धीरे धीरे करके मसल्स और भी अच्छे से स्ट्रेंथन होते हैं और कीगल एक्सरसाइज इन प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने में हेल्पफुल रहती है। सो आई विल एंड माय सेशन हियर, ओवर टू यू। या दैट वाज ब्रिलियंट कोमल, दैट वाज थिंक नीरजा। Oh, that was very good. And I think Komal's way of describing it,
she does it itne matter of fact way mein that it makes it very endearing. Like उसको कोई secret या mystical या exactly वो बनाती नहीं है, because ये बहुत important है and बहुत सारी women they have this problem कि cough sneeze करते वक्त urine निकलता है, but वो किसी को ये बात कह नहीं पाती. तो I think उन सब के लिए तो ये बहुत बहुत This important is a really, I mean, very precious way of treating it. I must say that one can avoid repeated visits to the, you know, because even gynecologists feel perplexed ki after giving them routine Kegels instructions and some HRT whenever it is needed, hormone therapy, maybe sometimes reference to the urogynecologist, still some of them continue to suffer. Yeah, and it is a lot of silent suffering, and I think you have brought out very scientifically, actually it was a very scientific way of doing it, wherein there is no harm resulting from this exercise. The only, you know, only positive effects will be there. So that is very that was very useful instruction when you used a volunteer. And the very clever way in which you dealt with the models that you have, and when Aarti, you know, Nirja first told me that there will be demonstration as well, I was wondering how will she manage it, and you are such a super talent, very very wonderfully done, and that was very neat actually. So I think if there are any questions, let us just see. Okay, Dr. Vandana is asking, is it useful to do these exercises? Dr. Vandana R. Singh, even without the Kegel ball as a preemptive measure. So this is similar to the doubt that Dr. Neerja had raised last time that, you know, do we really have to use a simulator in that area like a finger or a ball or... And you did answer it, but I think you must take this question again. Yes. Yes, it is a must for the efficient and effective exercise, because aap agar finger ya ball ka use kar rahe ho, to you will come to know ki aap ball muscles ko kitna tight kar rahe ho, kitna lift kar rahe ho. Without that, you will not come to know ki aapne muscles, ye core muscle jaise humne practice ki, usme core muscle strengthening ke saath agar aapka contraction chhoot bhi jata hai, तो आपको अगर फिंगर या कीगल बॉल आपने इंसर्ट किया हुआ है तो यू विल कम टू नो कि ये मेरा मसल कॉन्ट्रैक्शन अभी छूट गया, अदरवाइज यू विल नॉट कम टू नो कि आपने मसल टाइट करके रखा है या छूट गया. सेंसरी फीडबैक इज वेरी एसेंशियल, आई थिंक इज वेरी एसेंशियल, वेरी एसेंशियल, इज वेरी एसेंशियल टू क्वांटिफाई द कॉन्ट्रैक्शन कि हाउ मच यू हैव बीन एबल टू डू, एंड ऑल्सो आई थिंक द पेशेंट इवेंचुअली काइंड ऑफ सेंसेस दैट देयर इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर द. So that is my question to you, that what is the duration of these exercises that you recommend? And for paucity of time, I think that will be the last one, right? Okay. What is the duration of this therapy, the Kegel exercise therapy? And when do you take the you know, experts input into it, the clinical physicians input into it, like a gynec or a urogynecologist and all? Yeah. फर्स्ट व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि सर्फ प्रोटोकॉल मेनली जो है कि आप कितनी स्ट्रेंथ के साथ पेल्विक फ्लोर को टाइट कर रहे हो, लूज ग्रिप फर्म ग्रिप जो हमने देखा हुआ था, उसके बाद टाइट करके आप बॉल को कितनी सेकंड्स के लिए होल्ड करके रखते हो, तो दैट शुड बी अप्रोक्सीमेटली 10 सेकंड्स होल्ड आइडियली, एंड देन 10 रिपीटेशंस एट अ टाइम विथ स्लो कीगल एक्सरसाइज, एंड फास्ट कीगल एक्सरसाइज में भी 10 रिपीटेशंस शुड बी देयर. तो ये अगर सर्फ प्रोटोकॉल आपका अच्छे से होल्ड होता है और पेशेंट की कंप्लेन धीरे धीरे सिम्टोमेटिकली इंप्रूव होती है, देन यू कैन कंटिन्यू एक्सरसाइज एट होम. और ये जैसे अगर लिगामेंटल सपोर्ट अच्छा है पेल्विक ऑर्गन का, तो पेशेंट 3-4 मंथ मैक्स टू मैक्स 5-6 मंथ में इंप्रूव हो जाता है. एंड देन दे कैन डू मेंटेनेंस नो एट होम, इन द सेंस दे कैन perform these exercises on a regular basis at home. Yes, yes. Or initially patient jab tak exercise ko acche se understand nahi karta hai, then there is need to come to clinic. Yeah. But ek bar wo acche se understand kar lete, then they can practice at home with Kegel ball. They no longer need to come to clinic.
with I think therapist. Nirja, we should ask her also where these things are available. Yeah. Yeah. या मोस्टली मैं कीगल बॉल जो है वो यूएस से मंगवाती हूँ और कई बार अमेजोन पे ऑनलाइन मिल भी जाता है बट मोस्टली मुझे ऑनलाइन दिखता नहीं है. कई कई बार अगर मैं लकी हूँ तो मिल जाता है तो मैं यूएस से मंगवाती हूँ. और मेरा ये जो कीगल बॉल है ये ब्लूटूथ ऑपरेटेड कीगल बॉल है. तो इसके साथ और एक बेनिफिट है कि जब ये वजाइना में इंसर्ट करके इसको मोबाइल ऐप के साथ कनेक्ट करना होता है या तो पेशेंट को ये एक विजुअल फीडबैक भी मिलता है क्योंकि मोबाइल ऐप के साथ उनको पता चलता है कि उन्होंने कितनी सेकंड्स के लिए होल्ड किया, कितनी सेकंड्स के लिए उन्होंने रिपीटेशन लिए, स्लो फास्ट सब कुछ जो है उनको एक्सरसाइज के बाद में पूरा रिजल्ट मोबाइल ऐप पे ही स्क्रीन पे आ जाता है एंड दे कैन शेयर इट विथ मी. सो मुझे भी पता है घर पे ही पता चलता है कि पेशेंट ने कितनी बार एक्सरसाइज की या उसका परफॉर्मेंस कितना अच्छा है. और ये जो मेरे पास कीगल बॉल है ये सिंपल कीगल बॉल है, ये ब्लूटूथ अटैच्ड नहीं है तो ये इनकी कीमत कम रहती है जो हम पेशेंट को दे देते हैं एक्सरसाइज के लिए, दे बाय इट फ्रॉम मी. सो ये इनकी डू द ज्यादा प्राइस लास्ट गुड गुड वाइफ डू द लास्ट दीज आर वेरी इजीली अवेलेबल ऑन Amazon. आई हैव जस्ट चेक्ड. ओके दैट्स वंडरफुल.